हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जा रहा है तेवटो, वो नदिया में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट नदिया तेवटो में जा रहे हैं, क्योंकि मेरा एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपन किया है उधर। तो उधर से पता नहीं क्यों किस लिए मेरा अकाउंट से अचानक डेबिट हो गया, पैसा डेबिट हो गया, मतलब एक चार्ज कटा है, ATM विड्रॉ चार्ज, जो कि 1772। तो वही पता करना है, अगर ATM का जब भी अकाउंट खुला था तभी उसने ये कहा था कि आप कितना भी ट्रांजेक्शन करो, कितना भी विड्रॉ करो, इसका कोई चार्ज नहीं है। जब अकाउंट खुला था मैंने, तभी अकाउंट ओपनिंग के टाइम 2 लाख रुपए लिया था उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि ये प्रायोरिटी अकाउंट होगा आपका, और प्रायोरिटी अकाउंट में कोई चार्ज वार्ज ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर भी पता नहीं क्यों चार्ज लग गया मेरा, कट गया, क्योंकि 1722 रुपये कम से कम मेरे लिए तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ा अमाउंट है मेरे लिए। तो वही पता करने जा रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं, आगे बात करते हैं किस लिए हुआ। चलो, और आप हमारा ये सुंदर सा रोड देख सकते हो, आप सुंदर सा रोड, ये है जोलोशपुर। आप ये रोड का मज़ा लो, रोड एंजॉय करो, कैसा रोड है मेरा हमारा। ये जो प्लेस आप देख रहे हो, इधर देख सकते हो आप, ये जो प्लेस है, हम लोग बचपन में इधर ट्यूशन आया करते थे, तभी यहाँ बैठते थे, बहुत ही मज़ा आता था। मतलब गर्मी में यहाँ बहुत ही सुकून है, बहुत ही शांति है, नदी का खुला हुआ, खुला मतलब खिला, क्या कहते हैं इसको, हवा है और छाव मिलता था, तो अच्छा लगता था वहाँ पर आके। वो बाम्बू अंदर से मन डक डक डक, दादाजी जा रहे टुक 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 करके। हाँ, गुड भैया, और ये रहा हमारा गोघाटा मोड़। ये रोड आगे जा रहा है टूवर्ड्स तेहट्टो एंड तेहट्टो पलासीपाड़ा ये, और बैकवर्ड में है अमताला पटिका बड़ी। वो रहा आ रहा है रोड किंग, बहुत ही धूल उड़ा था यार। अब इस रोड पे आपको दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा खास कुछ नहीं है, थोड़ा आगे जाकर है, मैं दिखाऊंगा वो प्लेस आपको, जो कि जाना जाता है राधानगर घाट ब्रिज के नाम से। तो वहीं जाके बात करते हैं आपको, ठीक है, आगे मिलते हैं, चलो। है गाइस, तो हम लोग आ गए राधानगर घाट बैरेज। तो देखो कि कितना सुंदर नज़ारा है उधर, मतलब इधर हम कभी कभी आया करते हैं, मतलब ऐसे ही, मतलब शाम को आया करते थे इधर, अभी भी आते हैं कभी कभी। तो ये जो व्यू है आपको अभी आपको दिखा नहीं सकते, बहुत ही धूप है अभी, तो लौटते टाइम आपको दिखाएंगे इधर, और फोटोशूट भी करेंगे इधर, तो तभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कितना अच्छा है। मतलब अभी आप देखो ऐसे ही। एंड हम लोग अभी मुर्शिदाबाद से नदिया में आ गए, इधर थोड़ा महा लोगों का चक्कर है, मतलब इधर रुकते हैं आके, फाइन वाइन चलन वालन काटते बाइकर्स का। हमने तो अपने तरफ से ले लिए सेफ्टी, बाकी देखते कौन से मामा थे आगे। भाई ये कैसा हुआ, मतलब ये कैसा टर्निंग लाइट हुआ आपका, टर्निंग पे आके ही टर्निंग लाइट देना, ये क्या हुआ। एंड नाउ वी हैव टू टर्न लेफ्ट एक्चुअली, या इधर मैं भी ज़्यादा आया नहीं, मतलब उतना खास पहचान नहीं है इस रोड से, तो कभी कभी मैं भी घबरा जाता हूँ। ये जो रोड है ना यार, मक्खन है मक्खन, और बाइक भी भागती है, बाइक कहते हैं भागा मुझे भागा हो, तो बाइक की भी मननी पड़ेगी और मेरा भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, बाइक रहेगी तो चलो इतना हो सके भगाएंगे बाइक को।
आप देख रहे हो कितना ज़्यादा पेड़ था इधर, और कि पहले बहुत ही अच्छा लगता था ये रोड, पहले भी आया था मैंने, बहुत ही अच्छा था और बहुत सारे पेड़ थे, सब काट के ले जा रहे हैं। देखिए आप क्या होगा इस देश का। ये जो मोड़ है यहाँ से हमें कहाँ लेना है, कहाँ आई थिंक लेफ्ट में जाना है। ये जो इलाका है इसका नाम श्यामनगर है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ उसका उस जगह का नाम भी श्यामनगर है। एक्चुअली ये नदिया श्यामनगर है और वो मुर्शिदाबाद श्यामनगर है। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो मुझे नहीं पता कि कैसे बात करना है, कब बात करना है और कितने सारे बात करने हैं। सीखेंगे धीरे धीरे, और आप भी पता पूछो, अगर आपने मुझको बता दी है मुझे ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, अगर प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ये सब कुछ बता देंगे तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा आगे वीडियो इंप्रूव करने में। और मैं तो अभी बिल्कुल ही नया हूँ, तो आई नीड योर सजेशन, प्लीज़ गिव मी सजेशन इन कमेंट बिलो। ये जो कॉलेज है ये एक्चुअली DLED कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज, नदिया प्राइवेट कॉलेज है एक्चुअली। तो चलो आगे मिलते हैं आपसे। रोड देख रहे हो आप, बहुत ही अच्छा व्यू है इधर का। हम लोग इधर आते थे पहले फ़ोटो शूट करने, मैं और हमारे दोस्त लोग यहाँ आया करते थे फोटो खिंचवाने। ये अभी जो रोड है ना, ये रोड थोड़ा अवरोड टाइप हो गया है, पहले बहुत ही अच्छा था, बहुत ही क्लीन रोड था, अभी थोड़ा बिगड़ गया है। और यहाँ जो काम होता है बहुत ही स्लो काम होता है वेस्ट बंगाल में, रोड रिपेयरिंग। यह सीधा जाके राइट टर्न लेना है, और आगे जो मोड़ होगा तो और कितना दूर है पता नहीं है एक्चुअली मुझे। नाउ वी हैव टू टेक टर्न राइट, एंड ये जो रोड है गाइस आपको मैं बता नहीं सकता कि ये रोड क्या है, मतलब ये आप 100-150 में चलाओ भगाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ प्रॉब्लम थोड़ा है कि अभी ये जो थोड़ा बहुत ट्रैफिक आपको दिख रहा है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कोई खड्डा वड्डा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिंदास चला सकते हो, नया नया रोड है। देखो मज़ा लो इस रोड का, मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ भगाने का। भैया थोड़ा साइड देंगे प्लीज़, मुझे जाना है, मुझे आगे जाना है आपका, साइड देंगे? ओके थैंक यू, साइड दे दिया आपने। यार सच में यार बहुत ही कमाल का रोड है, मतलब ऐसा लग रहा है कि चलते जाऊँ, लेकिन आज काम के सिलसिले में आया हूँ तो ऐसे ही नहीं जा सकता। जाएंगे मचाएंगे दो दिन बाद, एक्चुअली राइड प्लान चल रहा है हमारा, शायद संडे राइड होगा, तो आप इन्फॉर्म कर देंगे। आप मेरे इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए प्लीज़, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो इंस्टाग्राम, वहाँ आपका आपको बढ़िया सी फ़ोटो भी मिल जाएगा, और कब कहाँ क्या करूँगा वो सब न्यूज़ में वहाँ देता रहूँगा। तो एकदम से पहले यू वुड लाइक टू ट्रैक टू मी देन प्लीज़ फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए गाइज तेहट्टा मोड़, यहाँ से हमें राइट जाना है और थोड़ा जाना है, ज़्यादा नहीं जाना है। तो ये जो मोड़ है ना, ये सारे चारों तरफ से मतलब बैंक है, बैंकों ने घेर लिया है इस मोड़ को, बंधन बैंक का हो, स्टेट बैंक का हो, और जितने सारे कमर्शियल बैंक है सब यही है, कमर्शियल और प्राइवेट बैंक, ये आप देख सकते हो। अभी मुझे राइट जाना है तो चलिए। रुको भाई, तो हम लोग पहुंच गए एक्सिस बैंक, यही है एक्सिस बैंक ये जो है लेफ्ट में, तो मुझे रोकना इधर। ओके हम लोग आ गए एक्सिस बैंक, ये आप देख सकते हो एक्सिस बैंक। तो गाइस आपसे मिलता हूँ, मतलब बातचीत करता हूँ, और बैंक के जो स्टाफ है मतलब मैनेजर है उनसे बात करके आपसे बाद में मिलता हूँ रोड पे, ठीक है? तो चलो गाइस।
सो हेलो गाइस, आप मेरा आवाज़ सुनकर फील कर ही सकते हो कि क्या हुआ होगा मेरे साथ बैंक में। मतलब बहुत ही गंदा वाला बात किया बैंक वालों ने और मैंने भी थोड़ा जोर शोर से चिल्लाया। तो पहले जो बात हुई थी मेरा, मतलब मेरा एक प्राइवेटी अकाउंट था, तो तभी जब अकाउंट खोला उन्होंने, तो उन्होंने कहा जो गया था मेरे शॉप पे, उन्होंने कहा कि हाँ तुम जितने भी हो सकते हैं तुम ट्रांजेक्शन करो, कुछ चार्जेस नहीं लगेगा। मतलब एक्सिस बैंक प्राइवेटी में यही एक फैसिलिटी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने ATM विड्रॉ करने के लिए अकाउंट खोला था, ठीक है। तो ये सब अभी तो चार्ज ले रहे हैं ये लोग अचानक, तो मैंने टोल फ्री नंबर पे कॉल किया और ब्रांच में आकर ये कह रहे हैं वो लोग कि पहले अलग था अभी चेंज हो गया सिस्टम। तो मैंने टोल फ्री नंबर पे कॉल किया और उनको बताया सर ये बात है, क्या आपका गाइडलाइंस और टर्म्स एंड कंडीशन क्या चेंज हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मतलब मैं 2019 से सब कुछ गाइडलाइन और जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है सब कुछ सेम ही है। ये जो मतलब ये जो बात है, जो ATM विड्रो चार्ज है ये पहले से ही है, ये कभी भी फ्री नहीं था, पहले से ही चार्ज है। एक महीने में आप 30 बार विड्रो कर सकते हो। तो ब्रांच वालों के साथ और टोल फ्री नंबर पे जो फ़ोन बैंकिंग एग्जीक्यूटिव होते हैं बात करने के लिए, उनका बात टोटली अलग है, मतलब कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। तो ऐसे जो कुछ भी हुआ इस बीच में, तो कस्टमर ही फंस गया, मतलब मैं ही फंस गया। तो जितने भी बैंक चार्जेस कटे हैं मेरी, वो रिफंड नहीं होगा लगता है मुझे, और कभी झगड़ा भी हो गया उधर, तो चले आए झगड़े करके। तो सॉरी, बुरा मत मानना, साले चूतिया लोग हैं वो सारे, क्या कहे, मतलब जो हो चुका है, मतलब मैंने ही मिला के तो क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, चलो भूलने की कोशिश करेंगे। ठीक है यार गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर एक और बात गाइस जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ, वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि मुझे एक्चुअली कंटेंट नहीं मिल रहा है अभी। आज मेरा फर्स्ट डे है, मतलब ये ब्लॉग मैं अपलोड करूँगा, ज़रूर करूँगा। आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, मैं अभी सिर्फ टेस्ट कर रहा हूँ कि मैं कैसे बोल पाता हूँ कि नहीं, और कैसे बोलना है कि प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए मुझे। मुझे आपकी सजेशन बहुत ही मायने रखते हैं, आपका सजेशन प्लीज़ कमेंट बताइए, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मेरा ब्लॉग ठीक करने की। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि नेक्स्ट जब मैं कोई ब्लॉग डालूँगा आपको पता चले। और आगे में प्रॉब्लम आता जाता रहता है लाइफ में, तो इसके लिए रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ेंगे। और शायद संडे में कुछ धमाल होने वाला है, कुछ मचाने का प्रोग्राम है, तो मचाएंगे, देखते हैं क्या होता है, कैसे मचा सकते हैं। ठीक है, तो गाइस टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय।